इस बार दोस्तों कुछ टाइम गैप के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। विंटर अपने लास्ट स्टेज पर है, फिर भी कुछ विंटर के ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स अभी गार्डन में बने हुए हैं। अभी कुछ और मंथ्स वो ब्लूमिंग करने वाले हैं, खास करके मार्च अप्रैल तक। इनमें से दोस्तों ये कैलेंडुला फ्लावरिंग प्लांट की हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही कम केयर में मैक्सिमम फ्लावर्स देने वाला ये प्लांट है दोस्तों। काफ़ी कम फर्टिलाइज़र की इनको ज़रूरत रहती है, बिना खाद के नॉर्मल गार्डन सोल के अंदर ये फ्लावरिंग करते रहते हैं, अपनी मल्टीपल ग्रोथ को बनाए रखते हैं। कैलेंडुला के प्लांट्स को ग्रो होने के लिए ज़्यादा बड़े पोट की ज़रूरत भी नहीं रहती, नॉर्मल साइज़ के पोट में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। कलर्स के बेस पर इनके फ्लावर्स मेनली येलो और ऑरेंज होते हैं। फरवरी का मंथ चल रहा है तो धूप भी अच्छी खासी निकलने शुरू हो गई है, तो आप इन प्लांट्स को आउटडोर में रखें, अच्छी धूप के अंदर इनमें ग्रोथ भी ठीक रहती है और इनके फ्लावर्स काफ़ी प्यारे कलर्स के अंदर थोड़ा खुलकर खिलते हैं। मेरे इन कैलेंडुला प्लांट्स ने कुछ वीक पहले ही फ्लावरिंग शुरू की है और चारों ओर आप इन प्लांट्स के जो मल्टीपल ग्रोथ और जो लगातार फ्लावरिंग बर्ड्स तैयार हो रहे हैं। अगर दोस्तों आपके कैलेंडुला प्लांट अभी स्मॉल साइज़ के हैं या वो लेट फ्लावरिंग करने वाले हैं तो आप वहाँ उनकी पिंचिंग भी कर सकते हैं। इससे जो मल्टीपल ग्रोथ इन प्लांट्स में आती है और ज़्यादा फ्लावरिंग बर्ड्स डेवलप होते हैं जो इनके मेन स्टेम पर रहते हैं, एक या दो आप वहाँ से हल्का सा इन प्लांट के टॉप को तोड़ के हटा दें तो इससे मल्टीपल ग्रोथ आएगी और जो भी फ्लावर्स इनके ऊपर खिले हुए हैं तो खिलने के बाद जब वो मुरझा जाएँ तो उनको भी आप तोड़ के या कट करके हटाते रहें। मैंने दोस्तों इन प्लांट्स को अभी तक सिर्फ एक बार ही फर्टिलाइज़ किया है, तो मैंने मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मैंने इन प्लांट्स को एक बार तैयार करके मंथ में दो बार ही फीड किया था, तो उसी से ये प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ दिखा रहे हैं। कुछ प्लांट्स मेरे थोड़े लेट ग्रो किए मैंने तो वो अभी स्मॉल साइज़ के हैं। अगर इन प्लांट्स को ग्राउंड में ग्रो किया जाए तो इनकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है और फ्लावर्स का साइज़ भी थोड़ा बड़ा रहता है। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी कैलेंडुला प्लांट्स के बारे में। आने वाले टाइम के अंदर मैं इस मंथ जो कुछ गार्डनिंग वर्क है उनके रिगार्डिंग जल्दी ही मैं वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूँ।